अगर आप लोग HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के कस्टमर हैं, जैसा कि आप लोग को पता है HDFC क्रेडिट कार्ड में आपको रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं, सभी क्रेडिट कार्ड में होते हैं। आप मनी बैक क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, रिगालिया यूज़ करते हैं, या फिर मनी बैक या फिर मिलेनिया कार्ड यूज़ करते हैं, सभी में आपको रिवार्ड्स पॉइंट का सिस्टम होता है, कैशबैक का सिस्टम होता है। बहुत लोग को पता नहीं होता रिवार्ड्स पॉइंट को रिडीम कैसे करना, ये कहाँ पर शो होते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में आपको देखेंगे कैसे आपको अपना रिवार्ड्स पॉइंट देखना है और कैसे आप रिडीम कर सकते हैं। रिडीम आप कैश में भी कर सकते हैं, इंस्टा वाउचर्स में भी कर सकते हैं, ई वाउचर्स में भी कर सकते हैं, मीन्स फ्लिपकार्ट अमेजोन के वाउचर्स होते हैं उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इजी यहाँ पर है कि कैश में कन्वर्ट कर लें, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि आपको यहाँ पर वाउचर्स वगैरह में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। तो अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक। मेरे चैनल पर ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको विजिट कर लेना है HDFC बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का पेज, यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी डालना होगा। कस्टमर आईडी इसलिए यहाँ पर फिलअप कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद पासवर्ड फिलअप करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर विजिट कर पाएंगे। यहाँ पर डैशबोर्ड आपको दिखेगा, ऊपर की ओर आपको स्लाइड करना है। ऊपर आपको 3-4 ऑप्शन दिखते हैं, तो यहाँ पर कार्ड्स वाले जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं उस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे होंगे कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन, तो क्रेडिट कार्ड जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपको इंक्वायरी का ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रांजिट के नीचे, तो इंक्वायरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिडीम रिवार्ड पॉइंट्स का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपका क्रेडिट कार्ड नंबर दिख जाएगा, तो उस पर आप जो चेक बॉक्स दिख रहा है बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा कि इसे रिडीम पॉइंट्स को रिडायरेक्ट किया जा रहा है वेबसाइट्स पे, यहाँ पर तो आप रिवार्ड रिडीम की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे कंटिन्यू करने के बाद, और यहाँ पर आपको ऑप्शंस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल पॉइंट्स मेरे हैं 14,125 ऊपर में दिख रहा है टॉप में। और रिडीम करने के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, प्रोडक्ट कैटलॉग, इंस्टा वाउचर और कैश में भी, ई वाउचर्स में भी। तो प्रोडक्ट कैटलॉग में कुछ खास होते नहीं, यहाँ पर फ्लिपकार्ट का लेंगे तो 660 पॉइंट में 100 रुपये का मिलेगा यहाँ पर वाउचर्स। अमेजोन पे वाला भी सेम है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई बेनिफिट्स इसमें है नहीं। इंस्टा वाउचर में भी सेम चीजें रहती है, यहाँ पर वाउचर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे तो वो कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। कैश वाला ज्यादा बेनिफिशियल होता है, उसमें आपको ज्यादा पॉइंट्स जो है रिडीम होते हैं तो आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर कैश में रिडीम करने के लिए देख सकते हैं 14,125 पॉइंट जो है इक्वेलेंट होंगे 2825 के, यहाँ पर जो 2825 है इसका बराबर होगा। यानी जो आपको क्रेडिट कार्ड पे जो पॉइंट्स मिलते हैं, आपने देखा होगा मेरा कार्ड जो है बिजनेस मनी बैक, तो मनी बैक के पॉइंट्स जो यहाँ पर दिए जाते हैं आपको 100 रुपये में 100 पॉइंट्स में यहाँ पर 20 मिलते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो टोटल पॉइंट रिडीम करना चाहते हैं तो वहां पर लिख लेंगे 14,125 कन्वर्ट होके आपको 2825 मिलेंगे। और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेंगे आप। कुछ कार्ड्स के यहाँ पर एक रिवार्ड्स पॉइंट्स की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर टोटल 14,000 पॉइंट होंगे तो 14,000 मिलेंगे। लेकिन यहाँ मनी पैक क्रेडिट था तो उसका बिजनेस मनी पैक में इसी तरह के पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलेंगे। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद रिडीम नाउ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर कन्फर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुली आपका हो जाएगा, योर कैश रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आपका चला गया है और ये रिक्वेस्ट नंबर है, 2-3 दिन बाद आपके स्टेटमेंट पे ये अमाउंट अपडेट हो जाएगा। तो इसी सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग HDFC क्रेडिट कार्ड रिवार्ड्स पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। इसलिए ये रिवार्ड पॉइंट रिडीम होकर आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पर कैश में कन्वर्ट करने का मतलब ये कि आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल आपके बन के आता है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। मीन्स आपने 10,000 की शॉपिंग करके रखी है तो ये अमाउंट जाके क्रेडिट हो जाएगा, मीन्स ये अमाउंट माइनस हो जाएगा, उसके बाद जो आपका पेमेंट होगा वो करना होगा। तो स्टेटमेंट में ही एडजस्ट कर दिया जाता है, इस रिवार्ड्स पॉइंट्स को इजिली इस प्रोसेस को फॉलो करके कर सकते हैं।